हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर सेफ एंड फाइन। आई एम फाइन टू। ये पिक देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज भी एक नया रेसिपी है, लेकिन आज की नई रेसिपी के बारे में मैं डायरेक्टली आप लोगों को बना के बताऊंगी। उसका नाम ही बस बता देती हूँ, उसका नाम कीमा टॉर्टिला रैप है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गो टू द रेसिपी। पहले इसका फिलिंग हम लोग बनाएंगे। जैसे कि कीमा है तो कीमा को ऐसे तो नहीं दे सकते, क्योंकि कीमा को पहले मैरिनेट करेंगे, फिर उसको अच्छे से पका के हम लोग इसका फिलिंग बनाएंगे। सो मैं उसकी प्रोसेस के लिए आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स है ये मटन कीमा, एग, ऑनियन, चिली एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। कीमा है 250 ग्राम, ये मैंने अच्छे से धोया है। जो जो चीज़ें मैंने दिखाया आप लोगों को इसमें मिलाना है, एंड थोड़ा सा स्पाइसेस भी मिलाना है जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। पेपर पाउडर, टर्मरिक, चिली पाउडर, गरम मसाला और मीट मसाला, आप जो भी चाहे मिला सकते हैं। सॉल्ट, ये सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिला लेना है। अभी मस्टर्ड ऑयल और सरसों का तेल 3 स्पून मिला लेना है। अच्छे से मिला लेने के बाद देखिए मैं कैसे मिला रही हूँ, क्योंकि इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे ना, तो ये हर जगह पे मिलना चाहिए। देन उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको भी अच्छे से मिला लेना है। ग्रीन चिल्ली, ऑनियन चॉप, अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद 2 एग जो मैंने रखा था वो फुल मिलाऊंगी मैं, नॉट ओनली द व्हाइट पार्ट, पूरा मिला लेना है। येलो पार्ट, व्हाइट पार्ट सारे अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद हाफ लेमन, इसमें हाफ लेमन ही काफ़ी है। अभी अच्छी तरह से मिला लेने के बाद पुदीना, इसका तो पता है कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और जैसे कि मटन हैवी रहता है तो ये डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, और उसका स्मेल भी बहुत अच्छा लगता है। अभी 20-30 मिनट मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अभी एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और जो मैरिनेट किया हुआ है हम लोग जो 15-20 मिनट मैरिनेशन के लिए रखे थे कीमा, वो इसमें डाल देना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो मैं दूसरी चीज़ के लिए भी इतना ज़्यादा रखी थी। आप लोग अगर ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा चाहिए, नहीं तो ऐसे थोड़ा भी हो जाएगा। फिर उसके ऊपर टमाटो, उसमें थोड़ा टमाटो का खट्टापन का टेस्ट आना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं ढक रही हूँ, क्योंकि टमाटो वैसे भी जल्दी बॉयल हो जाता है, अगर ढकूँगी तो ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा, और फिर मुझे ज़्यादा टाइम तक उसको सुखाना पड़ेगा, क्योंकि रैप में और जो रोल है उसमें पानी पानी हो जाएगा तो वो नहीं होगा। ये टाइट ग्रेवी हम लोग रखेंगे। फिर मैंने ये पूरे सब्जी जैसे कि ऑनियन हो गया, कैबेज हो गया, कैप्सिकम हो गया एंड कुकुम्बर, ये सब मैं उसमें डालूंगी। पहले जो टॉर्टिला है उसको हम लोग तवे पे गरम कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, दोनों साइड से सेंक लेंगे अच्छी तरह से। इसमें ऑयल नहीं डालना होता है, जस्ट सेंकना होता है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंक जाए। ये सब कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा आपको, रैप टॉर्टिला बोल के यही रहता है। इसको बस फ्राई करना रहता है, मीन्स दोनों साइड से सेंकना रहता है अच्छी तरह से। अभी ये हो गया, उसके ऊपर अच्छी तरह से मायोनीज डाल देंगे कि उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। आप लोगों को जितना पसंद है उतना डालिए, अगर आप लोग ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा, नहीं तो कम। ये सेजवन चटनी मैंने डाला उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है ये, आप लोग भी यूज़ करते हैं तो आप लोगों को भी पता होगा। फिर मैंने जितना सब्जी रखा है यहाँ पे, जैसे कि कैबेज हो गया, कैप्सिकम हो गया, ऑनियन, कुकुम्बर डाल दूँगी, एंड उसके ऊपर मैं डालूँगी जो मैंने फ्राई किया अभी कीमा, वो इसके ऊपर डालूँगी और फिर रैप कर दूँगी, एंड दैट्स इट। फिर उसका आप लोग ट्राई करना और उसका फ्लेवर देखना कितना अच्छा रहता है, बहुत टेस्टी रहता है। आप लोग बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हो, नहीं तो जब वो लोग आते हैं स्कूल से तो घर में कुछ हम लोगों को स्नैक्स देना होता है, क्या दें क्या दें, तो ये इजी प्रोसेस है। आप लोग दे के देखना, बच्चे खुशी से खाएंगे और वो लोग मांगते भी रहते हैं। और स्कूल लंच बॉक्स में तो ये इजी प्रोसेस है, आप लोग ट्राई करो एक बार घर में। सो
अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग बेल आइकन प्रेस करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरा कौन सा वीडियो डाला हुआ है। एंड आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा कुछ अच्छा नया रेसिपी लाती हूँ, हेल्दी वाला, जो सबके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, बच्चों के लिए आप लोग बना सकते हो, घर में दे सकते हो, ईजी रहता है, बहुत अच्छा रहता है टेस्ट। सो इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा एंड लाइक करना भी मत भूलिएगा एंड सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।